मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आज सुबह सुबह का टाइम है और मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में बनाया आज, वहाँ पर मुझे जाना है, थोड़ा देखना है कि फैसिलिटी क्या है, रिसर्च फैसिलिटी वहाँ पर, मीडिया पीएचडी की कोर्सेज के हवाले से कुछ जानकारी करनी है और पूछना है एक दो लोगों से। मैं टाइम लिया हुआ है तो इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ बिनतांग रैपिड रेल स्टेशन के ऊपर। यहाँ से तकरीबन मुझे 35 से 40 मिनट लग जाएंगे पहुँचते हुए यूनिवर्सिटी। तो देखते हैं आज यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी कैसी है यहाँ की, और हमारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज भी उनकी फैसिलिटी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे सकूँ इस वाले से भी। सो लेट्स सी। पाकिस्तानियों की आदतें बिगड़ी हुई हैं, वो देखें कि पाकिस्तानी खड़ा हुआ और इस लाइन से पीछे नहीं खड़ा जब तक रेल रुकी नहीं है, और बाकी आप लोगों को देखें तो वो पीछे खड़े रहते हैं। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में पहुंच गया हूं ऑलमोस्ट, और यूनिवर्सिटी में मुझे कहा गया था कि जब भी यूनिवर्सिटी जाना तो ज़रूरत नहीं है कि आप टैक्सी या कुछ तरह की सर्विसेज को हायर करें, क्योंकि थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन मलेशिया के अंदर और खसूसन कुआलालंपुर के अंदर महंगी है। तो बेहतर है कि आप जब यूनिवर्सिटी स्टेशन पर उतरेंगे तो वहाँ से आपको आप थोड़ा सा वॉक कर लें, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी वॉक नहीं है। तो आप मेन जो कैंपस है उसके जो मेन गेट है जो कि आप मेरे सामने इस वक्त देख सकते हैं, वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की हार्डली वॉक होगी, और 1 किलोमीटर की जो वॉक है वो आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा कैंपस का भी अंदाज़ा होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं वॉक कर रहा हूँ और कैंपस यकीनन बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे, बहुत हरियाली है, बहुत ग्रीनरी है, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई यूरोपियन यूनिवर्सिटी का कैंपस हो या कोई यूएस की यूनिवर्सिटी हो। और रैंकिंग में भी ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे नंबर में आती है। इस वक्त इस यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो टॉप 70s में ये यूनिवर्सिटी फॉल कर रही है दुनिया भर के अंदर, और इसके कुछ स्कूल्स इवन इससे भी ज़्यादा अच्छे रैंकिंग के हैं। मेरा जो टारगेट है वो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया, उसकी तलाश है मुझे, और मैं वॉक किए जा रहा हूँ और आप देखते जाइए कि इतना खूबसूरत कैंपस है। बारिश हो रही है और थोड़ी सी कष्ट काटने के बाद मैं फाइनली इस डिपार्टमेंट में पहुँच गया हूँ। आप देख सकते हैं कि ये एंट्रेंस है इस डिपार्टमेंट की, लेट्स गो इनसाइड। तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज़ है, आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया का। मैं बता दूँ आपको कि यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया मलेशिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाती है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाती है, और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 70 या 71 है। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं इस यूनिवर्सिटी से अपनी PhD कम्प्लीट करूँगा, और बारिश हो रही है और आप सुन सकते हैं कि इस वक्त बादल गरज रहे हैं, और पर मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, और मैंने अप्लाई किया, प्रपोज़ल यहाँ पर डाला था एक प्रोफेसर को, प्रोफेसर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। आई एम लकी इनफ टू नाउ कम हियर एंड जस्ट टू सी दैट व्हाट दिस यूनिवर्सिटी इज़ ऑल अबाउट, एंड देन मेक माई माइंड एंड ऑल्सो मीट other my Malaysian friends to just seek their advice that whether is it worth studying here or not. So kafi acha feedback I've got, a very good feedback from all of my friends who are studying here. Some of them are also Pakistani, they also recommended for this university. So I'm here right now and I'll meet my other acquaintances as well,
लेकिन मुझे चैलेंज ये है कि मुझे यहाँ पर सर्वाइव कैसे करना है। पाकिस्तान में तो मेरे पास अच्छी जॉब है, लेकिन डेफिनेटली मूविंग टू अनदर कंट्री, लिविंग एटलीस्ट फॉर 3 years वुड बी ए काइंड ऑफ अ चैलेंज फॉर मी। तो मैं देखूँगा कि मुझे कैसे ये चैलेंजिंग जो एक पीरियड होगा, कैसे मैं इसको इसमें पूरा करता हूँ, कैसे मुझे इस चीज़ को एक्सपीरियंस करूँगा और कैसे इस पर सर्वाइव करना है मुझे। सो दिस इज़ द यूनिवर्सिटी, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम नाउ एंड वील एक्सप्लोर अ लिटिल मोर अबाउट कुआला लंपुर लेटर ऑन। टेक केयर, बाय।